गुड मॉर्निंग। इधर जो है मैं मनीष जी का टिफिन तैयार करने के लिए मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, क्योंकि उनके बड़े भाई साहब यानी कि हमारे पति देव जी जाएंगे उनको टिफिन लेकर। और आप लोग देखिए कि रसमलाई जो हम बनाए थे उसे भी लेकर जाएंगे। मैं देवर जी का टिफिन पैक कर दूँ, इसमें दिया जाएगा देवर जी को। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है, हैवी हैवी हो गया है एकदम। ये तो फाइनली अब जाके मैं जो है आ गई हूँ अपने कान्हा के पास भोग लगाने के लिए। राधे राधे। तो यही थी रसमलाई जो हमने बनाया हुआ था। अब कान्हा खा के टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी हुई है ना कान्हा, आप बताओगे ना कैसी बनी हुई है। ये लेना है, ये लीजिए। और ये देखिए देवर जी हमको क्या दिए हैं, मेरे लिए भिजवाए हैं खास तौर पे, हमरे हटे मम्मी हाँ। और ये पापा के ही नमकीन है ना, ये तो हर हाँ, ये मेरा है, पापा का दूसरा है। होता है ना कोई चीज़ें, मतलब बटी थोड़ी नहीं है, सब लोग एक साथ ही तो खाएं, जब मतलब खाएंगे तो सब एक साथ ही खाएंगे, रखा जाएगा तो एक ही जगह रखा जाएगा। लेकिन होता है ना, देवर जी अपनी तरफ से ये भाभी के लिए ले रहा हूँ ऐसे करके, मतलब वो उन्होंने कर लिया हुआ है। अच्छा लगता है थोड़ा सा इस तरह, जिसकी वजह से मतलब काम करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है आजकल, बाद में हम आपके साथ सब शेयर करेंगे। तो उसके बाद जो है सारा काम करने के बाद आज मैं सो गई थी, और सोने के बाद उठी तो थोड़ा सा मम्मी के साथ मतलब बैठ के बातचीत कर रहे थे, उनको उनका कंघी वगैरह किए। और उसके बाद अभी फिर से किचन में आ गई हूँ, पतिदेव जी आए हुए हैं वहाँ से अपने भाई के पास से, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ घुगनी मटर की। बस यही हो रहा है, बस कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बनी रही है। ओके, तो हमारे पति देव जी जो हैं सुबह खाना खा के नहीं गए थे, जल्दी जल्दी भी निकल गए, मतलब इनका एक टाइम होता है कि 8:30 के पहले ये नहीं खा सकते हैं, तो उतनी टाइम अभी टाइम बहुत कम हो रहा था, चले गए नहीं खाए, और वहाँ पे जाके भी नहीं खाए, आए तो भी नहीं खाए, वही बस घुगनी मटर वाला बस उसी को खा लिए। तो मम्मी बोल रही है कि फिर से पनीर की सब्जी बना दो, सुबह भी बनाए और फिर से बना दो, और मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने मम्मी से कहा नहीं मम्मी रहने दो, लेकिन फिर कहने लगी अरे नहीं बना दो, तो मैंने कहा ठीक है फिर एक ही सब्जी बनेगी सबके लिए, वही बनेगा। क्या होता है ना कि मतलब पनीर की भी बनाओ तो सबको पीने का भी दूध था, लेकिन दूध ज़्यादा था इसलिए सबका दूध मतलब सब्जी भी बन जाएगा और पीने के लिए भी हो जाएगा। सो मैंने कहा मम्मी एक ही करते हैं, ज़्यादा होगा तो भरता बना दिया जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। मटर ना ले लें काजी, और सब्जी जो है ना आजकल मैं इतनी फास्ट बनाती हूँ पनीर की सब्जी, मतलब बहुत तेज़ी से और काफ़ी अच्छी बनती है। इस तरह आप लोग भी बना सकते हो, बहुत यम्मी भी बनती है और बहुत तेज़ी से बनती है। वैसे मैंने तो पूरा ब्लॉग दिखाया नहीं हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों, आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अभी जो है मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। एक्चुअली मैं इनसे ना बहुत गुस्सा थी, रात को मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, मेरे दांत में जो है ना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, एक दांत मेरा निकल रहा है तो उसकी वजह से भी पेन हो रहा है, साथ में वो निकल भी रहा है और उसमें कैविटी भी लग गई है, मतलब निकलने से पहले वो निकल ही रहा है कैविटी के साथ में, तो उसको मुझे दिखाना है भाई। हंसी आ रही है कि बताओ कैविटी, बट क्या किया जा सकता है, लग गया तो ब्रश तो इंसान करता ही है, लेकिन पता नहीं कैसे। तो बस मैं अभी जा रही हूँ, और ये जो है पतिदेव के साथ शायद मतलब लास्ट बार मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ इस छुट्टी में, उसके बाद देखते हैं आएंगे तो फिर। तय
है, मैं गुस्से में ना मतलब इनके साथ नहीं जाने वाली थी। मैं सुबह सुबह उठी तो ननद जी से बोली, अनु जी से, कि आप तैयार हो जाओ, चलो हम दोनों लोग चलते हैं। फिर ये जो है देखे कि ये तैयार हो रही है तो कह रहे हैं चलना है। तो हमने कहा, हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर बोले ठीक है तैयार हो जाओ, हम भी चलेंगे, गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है। बहुत ज़्यादा इनसे मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। एक तो मेरे कहने पे सेविंग नहीं करवाया, बताओ, पता नहीं कोई मन्नत उन्नत रखी हो तो बता दीजिए कोई, अगर मन्नत है तो, कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज़ सोचा हुआ है इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ। अपने मन के हैं एकदम, मेरे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब नहीं देरी हो तो, अभी तक तो बड़ा देरी हो तो रहा। हाँ और अब यहाँ से जो है मैं घूंघट निकाल के यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो हमारा रास्ता है ना, हम बहुत अच्छा लगता है इस रास्ते पे चलने, मतलब हरियाली, साइड साइड में खेत है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये बांध है सो एकदम ऊँचे पर है ये, और नीचे नीचे खेत है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना, मैं इतनी खुश थी इनके साथ। अगर मैं कभी रहती हूँ कहीं, मतलब भले ही मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन एक अलग ही खुशी मिलती है। और मैं नहीं जान रही थी कि आज मैं इतनी खुश हूँ। और इसके दूसरे दिन आप लोगों को जो ब्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा मैं इतनी सैड हो जाऊँगी। ये जो ब्लॉग है ना, मैंने सोचा था 2-3 पिक इनके साथ क्लिक करवाऊँगी, लेकिन मैं ना अपने दिल की बातें इनके साथ सारी की सारी शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी जो है मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, वेट कर रही हूँ। ये नहीं है तो डॉक्टर को मैं दिखा चुकी हूँ, और डॉक्टर इनको पूछ रहे तो ये थे ही। अभी बैठे हुए हैं, रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के इनका वेट कर रही हूँ। मेडिसिन ले चुकी हूँ और ये अभी गाड़ी का सर्विसिंग करवा रहे हैं, बस आने वाले ही हैं, मीन्स हो चुका है। बस बैठे बैठे वेट किया जा रहा है पतिदेव का। चले आए थे हमारे यहाँ आरा में, काफ़ी फेमस है नागरमल, तो यहाँ से हम कुछ लेने के लिए सोच रहे थे। पीछे हमारे पति देव जी, तो अब इनके लिए ना एक टी शर्ट लेना है, फुल टी शर्ट लेना है। तो चलिए थर्ड फ्लोर पे चलेंगे, तब मिलेगा ना। यहाँ पे शॉल है, और ये इधर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लुक, ये मैं हूँ। तो फाइनली हम यहाँ से शॉपिंग करके निकल रहे हैं। इनको कुछ नहीं पसंद आया यहाँ से, हमारे पति देव को। अपने लिए जो है मैंने 2 लेगिंग ले रखा है। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ, और सभी लोग घर पे आते आते ही मम्मी, अनु जी सब लोग जो है चले गए हैं एक बर्थडे में। मेरी जो देवरानी है, मीन्स रिश्ते में देवरानी लगेंगी, उनकी छोटी बेटी होंगे मेरे पास हमेशा। पहले उधर बीच बहुत आती थी, इधर बीच नहीं आ रही है, बहुत प्यारी सी है। तो उसका जन्मदिन है, तो सब लोग गए हैं यहाँ से, सभी लोग गए हैं। अभी ये भी जाएंगे, तो ये अभी आए हुए हैं। अब मुझे लगता है, हाँ अभी आप लोगों को एक बात बताऊँ, आज जाके ये शायद अपना हेयर कट करवाने गए हुए हैं, वो भी जाना है इस वजह से। वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस दिन जाना है, मीन्स ड्यूटी पे जाना है इस वजह से, क्योंकि वहाँ तो ऐसे रख के जा नहीं सकते हैं। और इतने दिन से मैं लाख बोली, लेकिन नहीं तो नहीं तो नहीं, वैसे के वैसे ही रखे रह गए। मैं इस बार इनसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। ये आदतें ठीक नहीं है ना। आप जैसे मुझसे ढेर सारी इच्छाएं अपनी रखते हो, वैसे मेरी भी होती हैं आपसे।
कौन समझाए इनको। और पता है मैं जैसे बाइक से उतरी ना, इतनी तेज़ मुझे चक्कर आया, बहुत तेज़। रास्ता यहाँ का इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि 1-1.5 घंटे लगातार बाइक पे बैठे रह बैठे 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 मतलब अजीब सा मेरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे पटक पटक के। तो आते आते ही मुझसे बोले कि पानी रख दो वो गर्म होने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, लगा दे रही हूँ पानी। तो मैं जो है इनके लिए पानी लगा दी हूँ इधर, और ये आएंगे तो स्नान करेंगे, और मैं स्नान नहीं करूँगी, अपना कपड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आती हूँ तो सबसे पहले अपने कपड़े को, सारे कपड़े को चेंज करती हूँ, और इन सब की धुलाई करने के बाद ही मतलब इनको यूज़ में लाती हूँ। पता नहीं क्यों हॉस्पिटल जाओ ना तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, सही नहीं लगता है। वहाँ से आओ फिर वहाँ के कपड़े इधर उधर, नहीं सबसे पहले मुझे लगता है कि इसको, अभी तो मैं गलती से बैठ गई थी बेड पे, बैठती तक नहीं हूँ,